वेलकम बैक टू माय चैनल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम तक मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया, मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किए, मैंने कुछ वीडियो बनाए फिर वो डिलीट कर दिए। तो दो बातें थी, एक तो मैं मेंटली बहुत अच्छी स्पेस में नहीं थी और मुझे बिल्कुल मन नहीं हो रहा था वीडियोज़ बनाने का, और दूसरा कि मुझे रिएक्शन हो गया था आँखों में, पता नहीं ग्लिसरीन का या किसी मेकअप का, और मेरी आँखें इतनी सूज गई थी कि जब भी मैं सोचती थी कि मैं मेकअप का वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, जो मैंने कहा था पहले, हर बार स्वेलिंग आ जाती थी आँखों पे। तो आज जो है मैंने यहाँ पे शूट पे, आज थोड़ी शक्ल अच्छी लग रही है तो मैंने वो वीडियो बना दिया है, एंड आई होप यू लाइक इट। नेक्स्ट अनाउंसमेंट इज दैट मैं अभी और ऑफन पोस्ट करूंगी, अभी मैं सिर्फ फ्राइडे सैटरडे पोस्ट नहीं करूंगी। मैंने एक चैलेंज लिया हुआ है तो वो चैलेंज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और उसके अलावा मैंने जो हमारे थोड़े से यहाँ पे जो एक्टर्स फ्रेंड्स हैं सिर्फ तुम के, तो उनके साथ मैंने छोटे छोटे कैंडिड थोड़े वीडियोज बनाए हैं, शॉर्ट वीडियोज, तो वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी सब आर्टिस्ट नहीं कवर हो पाए हैं, कुछ कुछ ही जिनके साथ शूट करने का मौका मिलता है, जिनको बीच में टाइम मिलता है फ्री, उन सब के साथ किया है। मेरे बच्चों के साथ, दोनों के साथ, सुहानी और ईशान के साथ अभी भी बाकी है वो शूट करना, लेकिन होपफुली वो जल्दी हो जाएगा, गॉड विलिंग। एंड बस, तो सबसे पहले जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सारे, जिन्होंने मेरे वीडियोस अपलोड नहीं होने पे भी मुझे अनसब्सक्राइब नहीं किया, उनके लिए एक स्पेशल थैंक यू एंड आई लव यू ऑल। आपके कमेंट्स मुझे बहुत एनकरेजमेंट देते हैं, सो प्लीज कीप कमेंटिंग एंड प्लीज शेयर माय चैनल सो दैट आई गेट मोर सब्सक्राइबर्स, एंड लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आए तो। लेट्स गो। तो अभी मैंने स्किन पे कुछ नहीं लगाया, मैंने सिर्फ एक सीरम लगाया है ऑयल बेस्ड, अदरवाइज देयर इज नथिंग एल्स। एंड अब मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं लगाऊंगी ये प्राइमर कालाबार का। स्मूथ फिनिश भी देता है, आपका मेकअप भी ज़्यादा देर लगता है। जैसे हम दीवार पेंट करते हैं तभी हम जैसे लगाते हैं पहले प्राइमर फिर कलर, बिल्कुल वैसे। उसके बाद मेरे डार्क सर्कल्स कभी कभी थोड़े ज़्यादा होते हैं, कभी कभी थोड़े कम होते हैं, तो मैं नॉर्मली ये इस कलर का कलर करेक्टर यूज़ करती हूँ। दिस इज क्राइलॉन प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा हैवी आपको नहीं करना है अंडर द आई, नहीं तो वो क्रीजेस वगैरह उससे ज्यादा हो जाती है। मेरा जो फाउंडेशन है वो ये है PAC का लिक्विड फाउंडेशन, एंड आई लव दिस प्रोडक्ट, इट्स वेरी नाइस। मेरे पास एक और बॉटल है जो ख़त्म होने आई है तो उसको हम पहले यूज़ करेंगे। Also with the use it becomes very very soft, so comes very soft, and I love this, मैं mostly यही use करती हूँ, मुझे इसी की आदत है। This is my beauty blender and I'm going to now blend
आपको जस्ट धीरे धीरे डैप करके आउटवर्ड मोशन में ले जाना है ताकि वो अच्छे से स्प्रेड हो। आपको ना घिसना है ना राउंड करना है, बस आउट। शेप देंगे, फीचर्स हाईलाइट करेंगे, कंटूर करेंगे, इसको स्प्रेड आउट करना है, स्मज कर देना है। ये जो है, ये स्पेशली जब आप लाइट्स के साथ, ज्यादा लाइट्स के साथ काम करते हो, ये करना जरूरी है क्योंकि अदरवाइज आपका फेस फ्लैट लगेगा। तो ये जॉ लाइन अगर आपकी शार्प भी हो तो भी आपको उसको थोड़ा ये कॉन्टूर करना पड़ता है, तो वो दिखेगा। अब इस स्टेज पे मैं नॉर्मली अपना कंसीलर लगाती हूँ, लेकिन आज मुझे नहीं लग रही है ज़रूरत। लेकिन मेरा नॉर्मली ये है कंसीलर, ये है मेबेलिन का, इसका नाम है हनी, नंबर 30। एंड आई लाइक दिस। मैं इधर लगाती हूँ कंसीलर, मेरे ये थोड़े डार्क स्पॉट्स हैं यहाँ पे। एंड आई कैन, यू कैन ऑल्सो जस्ट, सो आई विल नॉट पुट इट अंडर माई आई, बट आई विल शो यू दी अदर प्लेसेस। कंसीलर्स मोस्टली थोड़े लाइट होते हैं देन योर नॉर्मल बेस, तो इसलिए वो एज अ हाइलाइटर आप उसको यूज कर सकते हो। मैं करती हूँ। अगर मैं अंडर आई करती इसे यूज, तो मैं यहाँ लगाती, यहाँ, इधर और इधर। जब जरूरत हो तभी लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं चाहिए अंडर माई आईज, नहीं तो फिर वो जो है वो और क्रीज होता है और मेकअप क्रैक होता है बिकॉज ऑफ द रिंकल्स, तो हम वो सब नहीं। नाउ आई विल टेक मेरा मैक का, दिस इज NC42, एंड आई विल नाउ पुट द कॉम्पैक्ट।